नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी तीसरे एपिसोड में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं फीमेल पामिस्ट्री की, यानी कि गर्ल्स लेडीज़ के लिए जो पामिस्ट्री होती है। क्योंकि कॉन्स्टेंटली मुझे जो मेल मिलते हैं, उसमें जो हमारी महिलाएं होती हैं, वो हमसे मुझसे पूछती हैं कि फीमेल पामिस्ट्री के ऊपर एक पूरी सीरीज़ बनाई है। तो उस सीरीज़ में हम तीसरी वीडियो पे हैं। साथ ही साथ बुधवार और संडे के दिन मैंने आपको बोला है कि मैं फीमेल पामिस्ट्री के ऊपर बात करूंगा। इसके अलावा जो हमारे दोस्त हैं, जो दोस्त लोग हैं, जो मेल पर्सन्स हैं, उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी वीडियोस यथावत आती रहेंगी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा भाग्य रेखा के बारे में फीमेल हैंड में, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा लक्षण जो होता है फीमेल हाथ में, भाग्य रेखा में, जो अच्छा होता है और कौन सा खराब होता है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स, रिलेटिव्स और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में। चलिए फिर शुरुआत कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे भाग्य रेखा के बारे में। पूरी तरह ये वीडियो नहीं होगा, इसका सेकेंड पार्ट भी आपको मिलेगा। तो भाग्य रेखा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाग्य रेखा हमारी नीचे से स्टार्ट होकर इस तरह से चलती है। तो पहली जो इंडिकेशन है, मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो मणिबंध होता है, जिसको आप ये इस तरह से आपकी कलाई के ऊपर तीन रेखाएं आपको देखने को मिलती हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। तो आपको तीन रेखाएं देखने को मिलती हैं। अगर आपकी लेडीज़ के हाथ में अगर पहली रेखा से, इस वाली की रेखा से अगर कोई रेखा निकल रही है और वो ऊपर तक जा रही है और काफ़ी अच्छी है, तो ऐसी जो रेखा वाली जो स्त्री होती है, और ये मान लीजिए ऊपर तक जा रही है, मतलब शनि रेखा, शनि पर्वत तक पूरे तरीके से निर्दोष तरीके से जा रही है, उसमें कोई कट नहीं है किसी तरीके का, तो ऐसी जो व्यक्ति होते हैं या ऐसी जो लेडी होती है, उसके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां काफ़ी रहती हैं। हालांकि उसे पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। वह जिस घर में भी रहती है, उस घर में पैसों की ऐसी कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलती। तो कुल मिलाकर, लेकिन एक वो घरेलू हाउस वाइफ की तरह अपना जीवन जो है वो व्यतीत करती है। साथ ही साथ ऐसी जो फीमेल होती है, वह है अपनी लग्जरी लाइफ को भी अच्छे से जी पाती है। लेकिन यही जो रेखा है, भाग्य रेखा है, अगर आपकी सेकंड लाइन से स्टार्ट हो और ऊपर तक जाए या बीच में कहीं रुक जाए, मान लीजिए हार्ट लाइन पर रुक जाती है, तो ऐसी जो लेडीज़ हैं या लड़कियां हैं, उनके जो प्रेम हैं उनमें विघ्न आते हैं। जो बहुत सारी जो लड़कियां हैं, वो पूछना चाहती हैं लव मैरिज के बारे में। तो ऐसी जो लड़कियां हैं, उनकी लाइफ में जो प्रेम रहता है वो इतना ज़्यादा सफल नहीं रहता, उसका जो रेशियो रहता है वो थोड़ा सा कम रहता है, और कहीं ना कहीं उन्हें संघर्ष जो है वो ज़्यादा करना पड़ता है, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। वहीं अगर ये तीसरी लाइन से निकले, यहाँ से निकले और यहाँ तक आए हो, इसमें कहीं ब्रेक हो, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा फाइनेंशियल मैटर्स में प्रॉब्लम जो है वो देखना पड़ता है। साथ ही साथ आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ काफ़ी होती हैं। तो इनके उपायों के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, आप जो है परेशान बिल्कुल भी ना हो। तो ये तीन बात हुई मणिबंध से, पहली लाइन से और सेकंड लाइन से और थर्ड लाइन से। अब हम बात कर लेते हैं, ये आपका चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत से अगर कोई रेखा निकल रही है और वो शनि पर्वत तक जा रही है, तो वो बहुत अच्छी अच्छी इंडिकेशन मानी जाती है। ऐसी जो नारी होती है या महिला होती है या व्यक्ति भी होता है, वह एक असाधारण योग्यता वाला व्यक्ति या महिला होती है। उसके अंदर काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें वह करती है, और अगर यहाँ से कोई रेखा निकल रही है और वह
हमारी हार्ट लाइन को छू रही है। तो ऐसे जो नारी है या महिला है, उसका जो पारिवारिक जीवन होगा या दाम्पत्य जीवन होगा, तो वह काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी मतलब सुख में रहेगा। और ऐसी जो स्थितियां मैंने देखी हैं, तो उसमें मैंने देखा है कि कई लव मैरिजेस के योग भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो अगर कोई भाग्य रेखा आपकी सूर्य चंद्र पर्वत से निकलती है और शनि पर्वत तक जाती है, साथ ही साथ उसकी कोई एक ब्रांच अगर सन पर्वत तक, या आपका सन का माउंट है, सन माउंट तक अगर जाती है, तो ऐसी जो नारी रहेगी वह काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव रहेगी, क्रिएटिव रहेगी, और अपने सोसाइटी में, अपने जहाँ पर भी वो काम करेगी, काफ़ी फेमस वो रहेगी। अगर आपकी भाग्य रेखा आपकी आयु रेखा से स्टार्ट होती है, या आपकी लाइफ लाइन है स्टार्ट होती है, और यहाँ से वह ऊपर की ओर जाती है, तो ऐसी जो नारी होगी वह अपने घर के प्रति बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव होगी और हर समय कुछ ना कुछ अपने परिवार के लिए करने के लिए अग्रसर रहेगी, यानी कि तत्पर रहेगी, यानी कि लगी रहेगी और उन्नति की ओर अपने परिवार को लेके जाएगी। वहीं अगर आपकी माइंड लाइन या से स्टार्ट होती है आपकी फेथ लाइन और ऊपर की तरफ जाती है, तो ऐसी जो स्त्रियां हैं या ऐसे जो व्यक्ति हैं, उनकी जो सक्सेस रेट होती है वो थोड़ी लेट स्टार्ट होती है, उनको 35 से 36 साल के बाद ही सफलता मिलती है। ऐसे लोगों की जो मैंने देखा है इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल होती है और वह अपनी इच्छा शक्ति से ही आगे बढ़ते हैं। वह किसी भी चीज़ को असंभव नहीं मानते, डीमोटिवेट नहीं होते और हमेशा अपनी कार्य में अपनी विचारधारा के साथ चलते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म वह करते हैं। तो ये आज मैंने बात करी आपको, मैंने फेट लाइन के बारे में बताया, खास तौर से लेडीज़ के बारे में, और ये लगभग लगभग ऐसी ही इंडिकेशंस आपको मेंस के हाथ में भी मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और देखते रहिए मेरे चैनल को। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एनालिसिस आर पेड, फीस आपको देनी होगी, वो फ्री यानी कि मुफ्त नहीं होगा। भटनागर अभी 2411@gmail.com पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9411848508, 9999623823 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट्स को भी देख सकते हैं, न्यूमरोलॉजी के ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यथासंभव जैसा भी समय होता है हम उस पर एक्टिव रहते हैं। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। और हाँ, साप्ताहिक राशिफल मैंने डालना स्टार्ट कर दिया है। साप्ताहिक राशिफल आपको हर शनिवार को मिलेगा, और 2018 की जो मैंने वीडियोस बनाए हैं राशिफल के, वो आप ज़रूर देखिए, उस पर कमेंट कीजिए, और आप क्या देखना चाहते हैं इस चैनल पर मुझे ज़रूर बताइए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए।